दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। गुड इवनिंग हिमाचल। सदर थाना ऊना के तहत अजनौली में महादेव मंदिर रोड पर पुलिस ने कार सवार पिता पुत्र से नशे की खेप पकड़ी है। आज सुबह ऊना पुलिस ने अजनौली में नाकाबंदी की थी। इस दौरान एक कार को रुकने का इशारा किया गया। इसके बाद पुलिस के कार की तलाशी लेने के बाद उसमें चरस व हफीम बरामद की गई, जिसका वजन करने पर चरस की मात्रा 256 ग्राम व हफीम की मात्रा 164 ग्राम निकली। इन दोनों कार सवारों की पहचान मंडी जिला के किशन व संजय के रूप में हुई है। एएसपी ऊना विनोद कुमार धीमान ने बताया कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ऊना में आज जब पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो पेट्रोलिंग पे थी, उस दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि ऐसे दो व्यक्ति जो मंडी के रहने वाले हैं, पुलिस ने उनको रोका और उनसे जो है वो चरस और अफीम जो है वो कुछ बरामद हुई है, जिसमें पुलिस जो है वो आगे की मौके की कार्रवाई कर रही है और आगे की पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन इसमें करेगी। पुलिस थाना तलाई के अंतर्गत आने वाले गांव जबोला में आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों ने एक रिहायशी मकान से अवैध शराब बरामद की है। सूचना के आधार पर सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी सहित टीम ने मकान की तलाशी ली तो 53 बोतलें देसी शराब, 2 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में आरोपित व्यक्ति को शराब रखने का परमिट पेश करने को कहा, लेकिन वह व्यक्ति कोई भी परमिट पेश नहीं कर सका। टीम ने अवैध शराब को कब्जे में ले लिया है। डीएसपी कुमारवी अनिल ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। मिनी पंजाब के नाम से मशहूर बल घाटी में किसान बेसहारा पशुओं से बेहद परेशान है। जहां ये पशु लोगों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं बैलों के आतंक से लोग बुरी तरह से भयभीत हैं। नेरचौक बाजार के आसपास ये बैल करीब एक दर्जन लोगों पर हमले करके उन्हें बुरी तरह से घायल कर चुके हैं। आज नेरचौक नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बल के SDM डॉक्टर आशीष शर्मा से इस संबंध में मिला। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में घूम रहे पशुओं के चलते जहां उनकी फसलें तबाह हो रही है, वहीं वे बैलों के आतंक से परेशान हो चुके हैं। इन पशुओं के चलते सड़कों पर भी यातायात प्रभावित हो रहा है। हमने कई बार इनको इन बैलों के बारे में अवगत कराया। मैंने लिखित एप्लीकेशन SDM साहब के पास दी है, नगर परिषद को दी है कि इन्होंने मेरे हस्बैंड को मारा, गांव के अन्य आदमियों को मारा, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। आज जो है हमारे भाई साहब गांव के, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जबकि सारे गाँव वाले दौड़ के आए तभी उनको छुड़ाया। तो हम इनसे मांग कर रहे हैं कि इनका कोई, इन बैलों के कोई प्रावधान किया जाए। औरतें जो है वो खेतों में काम कर रही है, उनको भगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मारने के लिए आ रहे हैं, तो ना वो घास काट सकती है ना वो फसल काट सकती है। तो मेरी इनसे प्रशासन से अनुरोध है कि इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई की जाए ताकि लोग जो है निर्भय होकर अपना काम कर सकें। धन्यवाद। कर दिया है। और इनमें 3-4 ऐसे बैल हैं जो लोगों के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं। आज सुबह की बात है, हमारे गांव के लोग जब खेतों में काम कर रहे थे तो हमारे गांव के हमीद जी के ऊपर जो है इस बैल ने जानलेवा हमला किया। अगर एक मिनट के लिए गांव के लोग इकट्ठे ना होते तो बहुत बड़ा हादसा जो हो सकता था। इससे पहले भी हमारे गांव के रविंदर ठाकुर जी, बुद्ध सिंह ठाकुर जी, संत राम जी, बिंटा भाई जी, हैप्पी भाई जी के ऊपर भी इस बैल कुछ न कुछ प्रावधान किया जाए। इन बैलों ने पूरी फसल तबाह कर दी है। नेरचौक के अंदर काम करना मुश्किल हो गया है, खेतों में लोग नहीं जा सकते, बच्चे दुकान तक नहीं जा सकते। ये बैल किसी हर किसी के पीछे भाग रहे हैं। तनेजा क्लॉथ हाउस के अंदर घुस गए एक दिन, उनके मालिक के ऊपर जानलेवा हमला किया। प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय हमीरपुर में LT के 5 पदों को बैच वाइज आधार पर भरने के लिए आज काउंसलिंग हुई। इसमें 64 अध्यापक पात्रता परीक्षा पास उत्तीर्ण उम्मीदवारों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से दोपहर तक महज 34 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो पाए। काउंसलिंग में सामान्य वर्ग के 2 पद 1999 बैच से, SC के 2 पद 2004 बैच से और OBC IRDP का 1 पद अप टू डेट बैच से बुलाया गया था। LT पोस्ट के लिए काउंसलिंग हो रही है, जिसके लिए हमने 64 कैंडिडेट बुलाए थे। अभी तक इस समय तक जो है 33 कैंडिडेट अपीयर हो चुके हैं। इसमें जो है जनरल में 2 पोस्टें हैं, SC में जो है 2 पोस्टें हैं और OBC IRDP में जो है 1 पोस्ट है। धर्मशाला विधानसभा के तहत मंडल में जल शक्ति विभाग की बड़ी चूक सामने आई है। सुक्कड़ रोड पर मनुनी खड़ किनारे 3 वर्ष पहले जल शक्ति विभाग ने ओवरहेड वाटर टैंक बनाया था। इस टैंक पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं।
दुख की बात यह है कि 3 वर्ष बाद भी इस टैंक में पानी की एक भी बूंद नहीं डाली। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में इस तरह के 5 वाटर टैंक और हैं जिनमें पानी नहीं डाला गया है। इससे लाखों की संपत्ति बर्बाद हो रही है। अगर इन टैंकों में पानी भर जाए तो सैकड़ों घरों को फायदा पहुंचेगा। नमस्कार सर। हाँ जी सर। सर आपका नाम जी? मेरा नाम सोम कुमार है जी, मैं मंडल निवासी हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे पानी के टैंक में पानी कब से नहीं है यहाँ पे? ये जो जब से बड़ा से शर्मा के टाइम पे, उसके बाद इसमें कोई पैसा नहीं लगा है। अच्छा जी। नहीं तो उसके बाद यहाँ पानी डाला गया? सर टैंक तो तैयार है यहाँ पे, डाला गया पानी। कितने साल बने हुए उसको? 2-3 साल बने हुए। अच्छा, 2-3 साल हो गए, उसके पैसा नहीं लगा कोई भी। अच्छा, तो ये कहते हैं कि इसमें पानी की टेस्टिंग हुई है, क्या कभी ऐसा हुआ कि पानी यहाँ से छोड़ा गया? नहीं छोड़ा गया, नहीं छोड़ा। कितने ऐसे कितने टैंक हैं यहाँ पे बने हुए? 3-4 टैंक एक मंदिर में है, एक सुकड़ पंचायत में है, नलेर में है, एक जगवार में है, एक ये है। इनमें पानी नहीं डाला गया? नहीं डाला गया बिल्कुल। धन्यवाद सर। नमस्कार प्रधान जी। प्रधान जी आपका नाम? मेरा नाम उषा रानी। प्रधान जी मंडल से पंचायत से बिलोंग करते हैं आप, तो प्रधान जी ये बताइए कि जैसे पानी टैंकों में पानी नहीं है, 3-3 साल टैंकों को बने हो गए हैं, ये आपके सामने भी टैंक है, तो क्या कहना है? देखो ये टैंक 3 साल हो गए इनको बने हुए, प्रशासन ना तो इनकी देख रेख कर रहा है, ना ही तो इसमें पानी डला। दोनों टैंक खाली के खाली पड़े हैं, एक की तो टेस्टिंग भी हो चुकी है, वार्ड नंबर 1 की है, और इसमें पब्लिक जो है वो मेरे को तंग करती है कि आप इसमें पानी क्यों नहीं डलवा रहे हैं। तो मैं आगे प्रशासन के पास रखती हूँ प्रस्ताव कि ये जो है टैंक इनमें पानी डालो और लोगों को पानी मुहैया करवाओ। धन्यवाद। तो इसमें देखो मैं 2 साल हो गए मेरे को बोलते हुए, पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं आगे की। धन्यवाद प्रधान जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम? संजय वस्ती। संजय जी ये जो पानी का टैंक बना हुआ है आप देख रहे हैं कि एक कुछ लोगों का कहना कि यहाँ पे बहुत दिनों से पानी नहीं डाला गया, तो क्या ऐसी समस्या है यहाँ पे? हाँ ये समस्या तो है बड़े दिनों से है, और लोगों ने मैं भी जिससे भी बात की हुई थी, उन्होंने बोला कि हमने ये प्रोसेस डाला हुआ है तो कुछ टाइम लग जाएगा। अच्छा, तो कितने टाइम से ये पानी नहीं है इसमें? ये लगभग 3 साल से यहाँ पे पानी नहीं है। पानी नहीं है तो सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो समस्या का समाधान किया जाए, और IPH डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो समस्या को जल्द से। HRDC के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने आज एक गेट मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कर्मचारियों के वेतन की अदायगी पर चर्चा की गई। कर्मचारियों ने कहा कि निगम में सुचारू रूप से सेवाएं दे रहे हैं तो वेतन के लिए वंचित क्यों हो रहे हैं। निगम कर्मचारियों ने कहा है कि मुख्यालय शिमला में उच्च अधिकारी द्वारा सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है, जो कि अति निंदनीय है। संगठन ने सरकार व प्रबंधन से अपील की है कि सभी डिपो की जाँच करवाई जाए ताकि घोटालेबाजी सामने आ सके।